नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, हम आपको बताने जा रहे हैं जॉब ओरिएंटेड और हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने वाले जो कोर्स, जो टेक्नोलॉजी जो सबसे ज़्यादा आगे चलकर 2022 में हमें सीखने को मिलेंगी और जो हमें सीखनी चाहिए, जिनके कारण जो है ये ऑटोमेशंस और मोबाइल इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़, ये सभी जो है बहुत आगे जाने वाली हैं। उन्हीं में दोस्तों आज हम 5 टेक्नोलॉजीज़ की बात करेंगे जो कि आपको सीखनी चाहिए 2022 में, अगर आप भी एक बहुत अच्छी जॉब पाना चाहते हैं इस आईटी वर्ल्ड में। तो दोस्तों सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी है वो है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, हाइपर ऑटोमेशन। आपने ये नाम जो है सुना होगा, हाइपर ऑटोमेशन। और ये होता क्या है हाइपर ऑटोमेशन जो है दोस्तों, आप लोगों ने अभी एक सोफिया नाम की जो है रोबोट सुनी होगी, जिसको कि सिटीजनशिप दी गई है सऊदी अरेबिया में। और जो रोबोटिक्स जो स्टडी होती है एआई और मशीन लर्निंग रोबोटिक प्रोसेस के द्वारा, आप यहाँ देख पा रहे हैं, हाइपर ऑटोमेशन इज़ अ बिजनेस ड्रिवन डिसिप्लिनड अप्रोच दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू रैपिडली आइडेंटिफाई वेट एंड ऑटोमेट एज मैनी बिजनेस एंड आईटी प्रोसेसेस एज पॉसिबल। तो दोस्तों ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से काम करती है, और जो रोबोटिक प्रोसेस है, जो कि आपने देखा होगा जो रोबोट्स बनाए जाते हैं, और ये टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी ज़्यादा 2022 में और आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रभावशील होने वाली है। तो दोस्तों ये हुई पहली टेक्नोलॉजी जो कि आप सीख सकते हैं अच्छी जॉब पाने के लिए। दूसरा दोस्तों हम बताना चाहेंगे आपको, जो सबसे ज़्यादा अभी चलन में है वो है साइबर सिक्योरिटी। ये भी जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ये भी आपको सीखनी चाहिए अगर आप सिक्योरिटी और नेटवर्किंग और इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक आपके लिए साबित हो सकता है। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑनलाइन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसका कोर्स कराते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं। ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, ऑपरेशनल एंड यूज़र एजुकेशन, डिज़ास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी, ये सभी जो है इसके पार्ट्स हैं। और दोस्तों साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा, जो जिसको भी ये साइबर सिक्योरिटी आती है उसको हम कह सकते हैं, हम इंडिया में, यूएस में काफ़ी सारी जगह जो है हम कह सकते हैं पर लैक एनम जो है 10 से 20 लाख तक की जॉब सैलरी जो है उनको होती है, और ये भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी दोस्तों साबित हो सकती है। इसी तरीके से दोस्तों जो एक और लेकर आए हैं वो है एज कंप्यूटिंग। आप लोगों ने जिस तरीके से मोबाइल कंप्यूटिंग सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग सुना होगा, इसी तरीके से दोस्तों एक और होता है फॉग कंप्यूटिंग। उसी फील्ड में हम लेकर आए हैं एज कंप्यूटिंग। आप देख सकते हैं एज कंप्यूटिंग करता क्या है दोस्तों, जैसे ही एज से आपको पता चल रहा है, जो आपका डेटा ड्रिवन होता है, हम कह सकते हैं कि जहाँ पर हमारा डेटाबेस कनेक्ट है, जो सेंट्रलाइज डेटा होता है क्लाउड कंप्यूटिंग पर, उससे जो है 2 स्टेप आगे, और जहाँ पर यूज़र इसको यूज़ कर रहा है उसके पास जाकर हम कह सकते हैं कि ये देखिए, देयर वॉज वन बिग कंप्यूटर, देन इन द यूनिक्स एरा वी लर्न हाउ टू कनेक्ट टू दैट कंप्यूटर यूजिंग डम टर्मिनल्स, नेक्स्ट वी हैड पर्सनल कंप्यूटर विच वॉज द फर्स्ट टाइम रेगुलर पीपल रियली ओन द हार्डवेयर दैट डिड द वर्क। तो दोस्तों ये जो एज कंप्यूटिंग है, ये जैसे कि मान लीजिए आपका कंप्यूटर है और यहाँ पर एक कंप्यूटिंग, एक क्लाउड बना दिया जाता है, जिससे कि आपको जब डेटाबेस का एक्सेस करना हो, ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो सके, और जो सेंट्रलाइज्ड क्लाउड सिस्टम होता है वहाँ तक चीज़ें ले जाने का काम जो है एज कंप्यूटिंग करता है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी साबित हो सकती है 2022 में, इसको भी आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर सीख सकते हैं एज कंप्यूटिंग को। दोस्तों इसी के साथ एक और जो है, आप लोगों ने देखा होगा एलेक्सा वगैरह सुने होंगे, जिसको कि यहाँ कहा जाता है इंटरनेट ऑफ बिहेवियर्स। ये जो है इंटरनेट ऑफ बिहेवियर दोस्तों, जिसमें कि आपने गूगल होम कह सकते हैं बेस्ड जो एडिशंस होते हैं, एलेक्सा जो है, और आपके आजकल फ़ोन्स में भी इनबिल्ट होकर आती है, और ये जो काम करती है आपके ह्यूमन बिहेवियर पर, ह्यूमन टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस के इमोशंस को समझने के लिए ये स्टडी की जाती है। और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ बिहेवियर्स आप यहाँ देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा
टेक्नोलॉजिकल कोर्स है दोस्तों। 2022 में, 2021 में भी ये काफ़ी ज़्यादा चलन में रहा था, और इसको जो है सीखने के लिए आप किसी भी ऑनलाइन, हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को, या फिर आपके शहर में अगर ये कोचिंग टेक्नोलॉजी की दी जाती हो तो आप ये भी सीख सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ जो है हमारी लास्ट और फिफ्थ टेक्नोलॉजी है, इसे हम कहते हैं AI एज अ सर्विस। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने क्लाउड में सुना होगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में जब हम पढ़ते थे तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसी तरीके से दोस्तों ये IaaS इज अ शॉर्ट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एज अ सर्विस एंड रिफर्स टू कंपनी दैट प्रोवाइड आउट ऑफ द बॉक्स AI सॉल्यूशंस। दोस्तों काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो AI एज अ सर्विसेज के लिए आप इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ क्यों किया जाता है ये तो आप सभी जानते ही हैं, और इसका यूज़ दिन ब दिन बढ़ना ही है। तो ये टेक्नोलॉजी भी जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हो सकती है आपके करियर ऑप्शंस के लिए। तो दोस्तों ये थी 5 टेक्नोलॉजीज़ आज के वीडियो में। इन टेक्नोलॉजीज़ में जो भी आपको टेक्नोलॉजी पसंद आई हो, समझ आई हो, आप उसकी कोचिंग लेकर जो है अपनी जॉब्स को हायर जॉब्स बना सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और भी इन फ्यूचर्स आप कैसे वीडियो हमसे चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।